नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दतिया विगत दिवस मध्य प्रदेश के सीधी में एक आदिवासी समाज के कमजोर युवक के ऊपर दबंग व्यक्ति द्वारा पेशाब करने जैसे अमानवीय कृत्य को लेकर समूचे प्रदेश में आदिवासी समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। इस घटना को लेकर युवक कांग्रेस जिला प्रभारी रोहित यादव के नेतृत्व में किला चौक पर आरोपी प्रवेश शुक्ला के विरुद्ध भाजपा सरकार द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं करने के चलते कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस अवसर पर आदिवासी नेता रामकुमार मोंगिया, जिलाध्यक्ष कांग्रेस राम किंकर सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती सहित आज जो पुतला दहन किया है किस बात को लेकर किया आप लोग? आज ये जो हमारे आदिवासी के साथ में जो हुआ है घटना, भाई जिस तरीके से प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी के ऊपर बाथरूम पेशाब करके उसको दिखाया कि भाई क्या होती है और क्या दरिद्रता कर सकते हैं ये लोग, आप ये बताइए। ये लोग कहते हैं कि हम आदिवासी के साथ में हैं और उनके ऊपर ये पेशाब करके बता रहे हैं हम किस तरीके से साथ में हैं। इसी दौरान हम लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री जी आपके शिवराज सिंह चौहान और आपके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का पुतला जला के पुतला दहन करके उनको आह्वान किया है कि आप इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जिस तरह कांग्रेस के निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर या प्रेस, आप लोग प्रेस व्यक्ति है ना, आप लोगों के ऊपर अगर आप कोई चीज करते हैं आप लोगों को अतिरंग करके जेल में बंद कर देते हैं और आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसी तरह इन लोगों के ऊपर आप बुलडोजर चलाइए, इनके ऊपर आप कड़ी से कड़वी कार्रवाई कीजिए। इसी का हम आपसे क्या कहते हैं निवेदन करेंगे और अगर ये नहीं हुआ तो और आंदोलन को हम लोग आगे लेके जाएंगे। शिवराज सिंह ने इनके ऊपर रासुका लगा के कार्रवाई किया तो इस पर कहां हुई है कार्रवाई? क्या बुलडोजर चल गई उनके इधर? चलिए क्या बुलडोजर किस तरीके की कार्रवाई की है? क्या आप क्या कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं? अभी तक तो कोई और होता, अभी तक तो तोड़ दिए जाते उसके मकान। तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।